जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि IUB में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन उनका ड्रीम होता है वो अपना मास्टर्स पूरा करें और अपनी एजुकेशन पूरी करें, और एजुकेशन हासिल करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर या इस तरह का मतलब कि हासिल करते हैं वर्चुअल, ये वो ऑनलाइन या प्राइवेट इस्लामिक बाल से। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में प्राइवेट लोगों के एडमिशन ओपन करती हैं। तो ये देखिए स्केड्यूल आ चुका है मतलब कि प्राइवेट का, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा हो गया मतलब कि स्केड्यूल शेड्यूल बाय रजिस्ट्रेशन प्राइवेट उम्मीदवार एम ए जिमनी इम्तिहान 2020 हायर एजुकेशन के तैयारी कर चुके हैं। मतलब ये प्राइवेट जो इम्तिहान है 2020 की रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख है ना जो, वो 31 मार्च 2021 तक इजाफा कर दिया गया, जो 2020 की रजिस्ट्रेशन करवाने की थी ना डेट, उसका इजाफा करके 31 मार्च कर दिया है। और डबल फीस 5,000 रुपये के साथ फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 31/3/2021। मीन मेरे आपको 5,000 या थोड़ी फीस ज़्यादा जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि MA MSc की रजिस्ट्रेशन लेट शुरू हुई है या जो भी सिस्टम है इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल से नहीं पता। आप किसी फोटो कापी शॉप या किसी ऐसे कंपोजिंग शॉप पे जाएंगे, वो आपको सारे ज़्यादा डिटेल से बता देंगे। मेरा जस्ट मकसद आपको ये बताना था कि MA MSc के प्राइवेट एडमिशन ओपन हो गए हैं और इसके अंदर शराकत दार के जो ख्वाहिशमंद हैं वो मतलब कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म प्रिंट करवाएं और वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन फ़ीस का चलान पे करें, और प्राइवेट जो स्टूडेंट है वो जमा करवा सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस का चलान जो यूनिवर्सिटी की जानिब से है वो डाउनलोड करके HBL के मुकर्रर ब्रांच मतलब कोई भी ऐसी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दस्तावेज साथ जो साथ लगानी है वो मैट्रिक FA FSA BA BSc का रिजल्ट है या सनद वगैरह है, जो नाजर जारी करता है ID कार्ड है, दो फोटो कापी, दो अदद आपकी अपनी ज़ाती ताज़ा फ्रेश फोटोज़ होनी चाहिए, HBL में जमा करता है रजिस्ट्रेशन फीस का असल चलान हो। और हाँ, ये जो फीस है ना इसके को 15-20 कॉपीज करवा के घर रख लेनी है, बाद में बड़े मुश्किल मसाइल बनते हैं, इसलिए एहतियाती तौर पर बता रहा हूँ। अगर BA BSc सब इम्तहान है तो उसका सर्टिफिकेट भी, अगर हमने BA किया है, BSc की है, कोई इंजीनियरिंग किया है, या जिस तरह मैं BSc BS कर रहा हूँ 4 सेमेस्टर की डिग्री ले लेता हूँ, वो भी अपने सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं। तो उसके बाद आपका NOC भी होना चाहिए अगर आप इसे आउट ऑफ बोर्ड से हैं तो। फिर यार ये भी अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर आप इस्लाम यूनिवर्सिटी हजूर से बाहर में सादिकाबाद से लेके रहीम यार सादिकाबाद रहीम यार खान से लेके भावनगर तक के कोई बाहर के हैं तो 5,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो आई थिंक आउट ऑफ आ जाती हैं, क्या कहते हैं, ओपन कोटा में आ जाते हैं वो लोग। तो ये थोड़ी बहुत ना ये इंस्ट्रक्शंस आप वो आप लोग खुद पढ़ लें। और उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ग्रेजुएशन हो तो MA MSc का इम्तिहान प्राइवेट तो रजिस्टर करना जरूरी, तो यार रजिस्ट्रेशन तो हर स्टूडेंट में ज़रूरी है। तो मतलब कि ये सारा कुछ जो लिखा हुआ आप पढ़ लें, और जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश इस्लामिया अंग्रेजी और ये कौन सा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तारीख हिस्ट्री अरबिक उर्दू फारसी रशियन सराइकी पाक स्टडी धन पाकिस्तान, और ये 2-4 नोट भी लिखे हुए वाजह रहे इम्तिहान के लिए दाखिला फीस के स्केड्यूल का ऐलान शोभा इम्तिहान की तरफ से बाद में किया जाएगा। मजीद मरमर रहनमाई के लिए www.iub.edu.pk/exam-notice देखें। ना मुकम्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मुकर तरीके बाद जमा कराने वाले पेन चलान के रजिस्ट्रेशन नाकाबिल कबूल होगी। रजिस्ट्रार इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर नंबर 0862-50-235। ये मैंने जस्ट आपको ये बताना कि MA MSc MA के एडमिशन ओपन हो गए हैं प्राइवेट के, तो अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि एडमिशन लेना तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा मकसद जस्ट आपको ये बताना था कि एडमिशन ओपन है भाई, चाहे ले, क्योंकि हर कोई तो आयु भी नहीं जा सकता ना, हर कोई मतलब कोई घर में बैठ के प्राइवेट भी करने वाले होते हैं। तो मेरा जस्ट मतलब सिर्फ हेल्प करना है लोगों की और कुछ भी नहीं। और जजाकल्ला अल्लाह।